नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जहां महाराष्ट्र चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीट बंटवारे के बाद अब टिकट बंटवारे का भी काम जो है लगभग खत्म हो चुका है और सभी उम्मीदवार जो है अपने अपने काम में भी बिजी हो गए हैं। तो हम अब जो है रोज़ एक न एक जो है सीट को लेकर चर्चा करेंगे कि जो है वहाँ पर कौन उम्मीदवार है और उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कौन चुनाव जीत सकता है। तो हम आज सबसे पहले शुरू करते हैं ठाणे विधानसभा से, जो 148 यानी 148 नंबर सीट आता है। इसमें जो दो बार बीजेपी जीत के पहले जीती हुई थी और अब जो है इस बार जो है लाइन में जो है बीजेपी के साथ साथ उबाठा यानी कि राजन बिचारे का है उम्मीदवारी और दूसरे हैं मनसे के अविनाश जाधव। तो कुल मिला के चर्चा यही है कि यहाँ पर ट्रेंगुलर लड़ाई है यानी कि बीजेपी, मनसे और उबाठा शिवसेना, उद्धव बाला साहेब शिवसेना। तो राजन बिचारे, अविनाश जाधव और संजय केलकर, ये तीनों में किस तरह का लड़ाई होगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट हो सकता है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने पिछले 10 साल जो संजय केलकर के ऊपर भरोसा किया था आज भी क्या वो कायम है, ये हमारा चर्चा का विषय आज है। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ सुभाष काले जी। हम इसे जानेंगे कि ठाणे की स्थिति इस समय क्या चल रही है, मौजूदा स्थिति में, यानी आज अगर वोट होते हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है। सर, एक बार फिर स्वागत है। हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ लगातार। तो सर, ये ठाणे विधानसभा जो 148 है, ठाणे शहर उसके अंदर पूरा आता है, ठाणे शहर में काफ़ी समस्याएं, मैंने कल संजय केलकर जी से भी बात किया था, उन्होंने भी बताया कि समस्याएं हैं, उसको डिनाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याओं का हल भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन अभी सर, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़ाई है यहाँ पर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे कि 148 में लड़ाई जो ट्रेंगुलर जो देखा जा रहा है, क्या सही में ट्रेंगुलर है? वो ट्रायंगुलर फाइट तो है, इसमें कोई दुमत नहीं हो सकता। इसका एक संजय केलकर सिटिंग आमदार है, महायुति के उम्मीदवार है, वहाँ पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार एक्स खासदार है, एमपी है, एक्स आमदार भी थे ठाणा के, जी वही 148 और राजन विचारे जी, और यहाँ पे अविनाश जाधव जो 2019 के विधानसभा इलेक्शन में संजय केलकर जी के सामने खड़े थे, काफ़ी अच्छी फाइट भी उस वक्त उन्होंने दी थी। अभी ये ट्रायंगुलर फाइट का जो एडवांटेज हम बोलेंगे कि भाई किसको मिलेगा, भाई ये ट्रायंगुलर फाइट है, तो ये ट्रायंगुलर फाइट में जो क्या है, 1-to-1 फाइट का एक अलग गणित होता है और ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट का एक अलग गणित होता है। तो ये ट्रायंगुलर फाइट का एडवांटेज अगर हमको देना है तो हम किसको दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये संजय केलकर जी को मिलने वाला है। इसका कारण ये है कि बीजेपी के वोटर्स जो ठाणा विधानसभा क्षेत्र में है वो है जी। दूसरा है कि उसके साथ भी अब महायुति है, यानी कि एकनाथ शिंदे और उनके यहाँ के सब कॉरपोरेटर्स वगैरह वो सब साथ में हैं और उनकी ताकत संजय केलकर साहब के साथ है। राष्ट्रवादी के नजीब मुल्ला है, उनके वो को वहाँ यहाँ के कॉरपोरेटर है, उनकी भी उनका भी साथ मिलेगा। तो अगर कुल हम देखते हैं कि ये ठाणे विधानसभा क्षेत्र में जी। अगर हम देखते हैं तो उबाठा या कांग्रेस या शरद पवार, इनके मेरे ख्याल से एक या दो नगर सेवक भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। बाकी सब नगर सेवक ये महायुति के साथ है जी। तो आज और विधानसभा में नगर सेवक का जो है उनका प्रभाव रहता है, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह उनका अपना एक प्रभाव रहता है जी। और वो प्रभाव उनको भी आगे चलकर महापालिका का चुनाव लड़ना होता है, तो उनको उनका परफॉर्मेंस इस बार दिखाना ही पड़ेगा। और आप अगर अभी जो लोकसभा हुई जी, अगर उस लोकसभा का नतीजा हम देखते हैं कि महायुति और महाआघाड़ी के सामने हुआ, राजन विचारे खड़े थे पूरे लोकसभा में 2 लाख के ऊपर वोट से चुन के, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, या ये इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 148 वाला, हाँ 148 में इनको सबसे ज़्यादा मार्जिन से लीड मिला उनको, नरेश मस्के जी को जी। इसका मतलब यही है कि ये तो बाले किला तो महायुति का है ही जी, चुनके तो संजय केलकर आने वाले थे ही, लेकिन अब ट्रायंगुलर फाइट की वजह से
उल्टा उनका मार्जिन और कितना बढ़ेगा ये हमको देखना है। ओ मतलब मार्जिन बढ़ेगा। यस, अभी इस बार के ट्रायंगुलर फाइट में जो मनसे का वोटिंग, क्योंकि पिछले बार मनसे फाइट दे रही थी महायुति में नहीं थी, और महा अभी उनके उनको उस वक्त पिछले इलेक्शन में कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, शरद पवार की पूरी राष्ट्रवादी सपोर्ट कर रही थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन इस बार शरद पवार की राष्ट्रवादी और कांग्रेस उबाठा इतना राजन विचार के साथ है। तो ये जो डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहा है उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदा संजय जी केलकर को है। उनकी जीत तो श्योर है, सिर्फ ये देखना है कि कितने हजार मार्जिन से वो आते। सर हम 2014 से भी बात करते हैं, क्योंकि 2014 में संजय केलकर जी पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके पहले विधान परिषद में थे। तो 2014 में जो है सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, उसका उनको भरपूर फायदा मिला और वो जो है शिवसेना को हराए उन्होंने। उसमें राजन विचारे नहीं थे, उसमें रवि फाटक थे, वो हार गए। और बीजेपी सीट जो है थाने सिटी में पहली बार जीत के आई थी, पहले रहा होगा लेकिन मेरी जानकारी में पहली बार जीत के आई 2014 में। उसके बाद 2019 में सर शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी, यानी कि दो शिवसेना नहीं बटी हुई थी। उसमें शिवसेना का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ में था, बीजेपी के शिवसेना के साथ में, उसका फायदा संजय केलकर को मिला। लेकिन इस बार जो है 2019 के बाद जो है परिस्थिति काफ़ी महाराष्ट्र की बदल गई है, यहाँ की राजनीतिक जो बंटवारा हुआ है वो लोगों कन्फ्यूज में है। तो ये कन्फ्यूज होता है कि अभी यहाँ तीन उम्मीदवार हैं, राजन बिचारे शिवसैनिक थे, आज भी शिवसेना है उबाठा के, अविनाश जाधव मन से वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के इर्द गिर्द ही उनका सब शिवसेना में ही थे जी जी, और तीसरा जो है बीजेपी तो है ही संजय केलकर जी। तो इसमें कांग्रेस कहाँ बचा है, लोग कन्फ्यूज है कि हम वोट किसको दें। कांग्रेस ने जो कहा ना एकदम सही कहा जी। देखो क्या है, राजन विचारे उबाठा, मन से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के घर के ये एक खुद लड़का है और एक भतीजा है जी। तो बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि ये तो शिवसेना के ही डिवीजन हो गया जी, बिल्कुल। ये दोनों मनसे हो या उबाड़ा हो, शिवसेना का डिवीजन हो गया। और तीसरा डिवीजन है मेन जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, बिल्कुल। तो थाना में अगर देखने के जाओ को अगर ये अगर डिवीजन देखते हैं तो एक डिवीजन मनसे का, एक डिवीजन उबाटा का और एक डिवीजन शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का, लेकिन बीजेपी का नहीं है वैसी हालत। बीजेपी का वोट्स जो है वो वही है, इंटैक है। और दूसरा ऐसा है कि आज महाविकास आघाड़ी का किसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही है या कौन सबसे बड़ी पार्टी है उधर, तो वो कांग्रेस है जी। आज सबसे ज़्यादा सीट लेके कांग्रेस लड़ रही है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को मिली, और कांग्रेस उनका बड़ा भाई है, शरद पवार और उबाठा उनके बाद में नंबर लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, उबाठा को वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, राजन बिचारे वोट दे रहे हैं, कांग्रेस मतलब आपका वोट कांग्रेस को जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थाना के जो वोटर है वो ये डेफिनेटली सोचेगा, और इसकी वजह से ही मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपसे बोल सकता हूँ कि भाई इस बार संजय केलकर की जीत तो पक्की है, लेकिन सिर्फ इतना देखना है कि वो 50,000 का मार्जिन क्रॉस करते हैं या नहीं करते। सर इसमें आखिरी क्वेश्चन ये है कि ठीक है जीत के तो आएंगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी समस्याएं रही है ठाणे शहर में, देखा जाए तो रास्ते को लेकर है, पानी को लेकर है, ड्रेनेज को लेकर है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसमें कचरा डंपिंग ग्राउंड का दिक्कत है, इन सबको लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी नेरेटिव भी लोगों के दिमाग में है कि केलकर जी के बारे में भी नेरेटिव फैलाया भी जा रहा है कि संजय केलकर कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में, खाली वोट लिए और अपने आप को आमदार बना के रखे और ऑफिस में बैठ के अपना काम दिखिए। तो ये सब नैरेटिव का कैसे जवाब देंगे आप? गलत है जी। मतलब पिछले 5 साल में संजय केलकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी एक भी सोसाइटी, एक भी झोपड़पट्टी, एक भी चाल नहीं होगी जहाँ पे संजय केलकर पहुँचे नहीं है। उन्होंने जो काम पिछले 5 साल में किया है उसी का तो फल है कि उनको तीसरे टाइम उनको टिकट मिला है, ये मेन है। और सबसे अहम बात है कि अगर आप पूछेंगे समस्या तो है जी। मेरे हिसाब से हम गलत नहीं करनी चाहिए, महापालिका
को लेकर जो समस्या है वो अलग रहती है, आमदार की लेकर जो वो अलग है, और खासदार की जो समस्या है का क्षेत्र है उसकी समस्या अलग है। इस बार आमदार के हिसाब से हम करने को जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है थाना में आज, तो वो है ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एकनाथ शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में उसके लिए अच्छा प्लानिंग हो हुआ है। उस प्लानिंग के हिसाब से कोस्टल रोड भी तैयार का काम चल रहा है और मेट्रो का काम भी बहुत जल्द गति से चल रहा है। क्या हुआ, 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सब काम ठप कर दिया था, उसके वजह से आज 2.5 साल हम एकदम पीछे चले गए, 20 साल पीछे चले गए, 20 साल पीछे चले गए। तो इस नहीं तो अब तक वो मेट्रो कब की शुरू, बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य से वो काम बंद होने की वजह से मेट्रो चालू नहीं हुई। इसके लिए ये सब जो है ट्रैफिक की समस्या सबसे अहम समस्या थाना में है। टोल की समस्या थी वो तो निकाल दी, अभी टोल थाना के लोगों को मुंबई जाने को टोल भरना नहीं पड़ता है, अभी आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है उस टोल निकालने की वजह से भी ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी हद तक इजी हो गया। और उसके बाद जब ये कोस्टल रोड हो जाएगा जिसका अभी काम बहुत जल्द से शुरू भी है, उसके बाद ये पूरा हैवी ट्रैफिक जो है जो आज थाना में है, यहाँ हमको यहाँ से अगर गुजरात जाने वाली गाड़ियाँ, नई मुंबई से जाने वाली, सब बाहर के बाहर निकल जाएंगे जी, बिल्कुल, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी उधर हो जाएगी। हमारा थाना का जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और बाकी रही समस्याएं जो आप बोल रहे हैं पानी ड्रेनेज वगैरह वगैरह, ये तो कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। दिन ब दिन थाना का पॉपुलेशन डे बाय डे इतना बढ़ते गया है कि पूछो मत, लेकिन उस समस्या के ऊपर भी ये अगर कोई सोल्यूशन निकाल सकता है और काम कर सकता है तो वो सिर्फ महायुति ही कर सकती है, और मुझे यकीन है वो हो जाए। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि 148 थाने शहर का जो पड़ रहा है संजय केलकर का भारी लग रहा है, उसका रिजल्ट निश्चित है। धन्यवाद, मार्जिन देखना है। धन्यवाद केलकर जी। तो हमारा चर्चा था आज 148 थाने शहर का कि तीन जो ट्रिंगलो लड़ाई है उसमें किसका पड़ रहा भारी है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, संजय केलकर के बारे में, राजन बिचारे के बारे में, अविनाश यादव के बारे में, आप हमें जरूर लिखिए। आपकी कोई शिकायत भी होगी थाने शहर से जुड़ी हुई तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, हम उस शिकायत को जो है विधायक तक जरूर पहुंचाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और विधानसभा जुड़ी हर खबरें जो है आप तक, मैं अंदर की भी खबरें हो चाहे कैंडिडेट की खबरें हो, हम आप तक जरूर बताएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।